और वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी के चुनाव में 11 लाख लोगों ने वोट डाले। मशीन से कितना निकलना चाहिए था? 11 लाख। 11 लाख लोगों ने वोट डाले, 11 लाख वोट निकलने चाहिए थे। कितने निकले? 12,87,000। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी को लेकर एक दावा वायरल है। एक वीडियो शेयर कर कहा जा रहा है कि वाराणसी में ईवीएम में धांधली हुई है। यूजर्स का दावा है कि वाराणसी में कुल 11 लाख वोट डाले गए, जबकि ईवीएम मशीन से काउंटिंग में 12,87,000 वोट निकले। इस वीडियो को शेयर कर एक यूजर ने लिखा, यह रहा ईवीएम का सबूत, वाराणसी में 11 लाख लोगों ने वोट डाले, ईवीएम मशीन से निकले 12,87,000 वोट। ये सब वैसे ही होता है जैसे 1,07,00,000 वोट 11 दिनों बाद मशीन में बढ़ा दिए गए। ये 240 सीट इसी के बदौलत आई है, वरना 100 सीट पर सिमटना तय था। 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र से वाराणसी से ज्यादा निकले। अरे इतने तेजी से तो मुर्गी अंडा नहीं देती, वो ईवीएम मशीन वोट दे रही थी। ए वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ? नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ? और 373 लोकसभा का डाटा मेरे पास है, चुनाव आयोग ने लिखकर। वहीं इस वीडियो को शेयर कर एक अन्य यूजर ने दावा किया, वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, 11 लाख लोगों ने वोट डाले और ईवीएम से निकले 13,87,000 वोट। डीफ्रेक की टीम ने जांच में पाया कि वायरल दावा फेक है। वाराणसी लोकसभा सीट पर 12,87,000 वोटों की काउंटिंग नहीं हुई है। भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वाराणसी लोकसभा सीट पर ईवीएम से पड़े वोटों की संख्या 11,27,081 है। वहीं पोस्टल बैलेट से कुल 3,062 वोट पड़े हैं, जिसके बाद कुल पड़े वोटों की संख्या 11,30,143 हो जाती है। डीफ्रेक के फैक्ट चेक से साफ है कि सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा किया जा रहा दावा फेक है। वाराणसी लोकसभा सीट पर ईवीएम से 12,87,000 वोटों की गिनती नहीं हुई है। वाराणसी सीट पर ईवीएम से पड़े वोटों की संख्या 11,27,081 है, जिसमें पोस्टल बैलेट के 3,062 को जोड़ने के बाद कुल पड़े वोटों की संख्या 11,30,143 हो जाती है।